शुरू होने के बाद से दुनिया पर लगातार परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया को न्यूक्लियर अटैक का डर सता रहा है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूर्व प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव कई बार यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे चुके हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पुतिन ने दुनिया की परमाणु हमले के खतरे की आशंका को तब और गहरा कर दिया जब उन्होंने अमेरिका के साथ रूस के परमाणु करार को तोड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच ये करार साल 2011 में हुआ था, जिसे न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जाना जाता है। इस दौरान ये सहमति बनी थी कि दोनों देश 2018 तक अपने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करेंगे और परमाणु टेस्टिंग से बचेंगे। पुतिन ने अमेरिका से करार तोड़ने का फैसला पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा से गुस्से में आकर किया और उन्होंने संधि से रूस के बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि से बाहर निकलते ही ऐलान किया था कि हम संभावित सैन्य खतरों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अपने सशस्त्र बलों को विकसित और मजबूत करना जारी रखेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी तक अमेरिकी परमाणु हथियारों और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्मों के बारे में कुछ भी खास नहीं कहा है। इसके बाद दुनिया भर में बहस छिड़ी है कि दोनों देशों के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। अगर दोनों महाशक्तियां आपस में टकराती हैं, तो पूरी दुनिया का खात्मा हो सकता है। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि दोनों देशों के पास कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन हैं और कितने खतरनाक हैं। दुनिया भर में लगभग 12,700 परमाणु हथियार हैं। उनमें से सबसे अधिक संख्या करीब 6,000 रूस में है, जबकि लगभग 5,428 अमेरिका में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर 2022 तक अमेरिका के पास 1,420 तैनात वॉरहेड और 659 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम तैनात थे। वहीं रूस के पास 1,549 हथियार और 540 स्ट्रेटेजिक लॉन्चर तैनात थे। वॉरहेड परमाणु हथियारों की संख्या होती है और स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम में मिसाइल, परमाणु बम वर्षक, परमाणु पनडुब्बियां शामिल होती हैं। हालांकि अमेरिका और रूस के पास कुल मिलाकर तैनात और तैनात करने लायक न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या कहीं अधिक है। रूस के पास शस्त्रागार में 5,977 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,428 वॉरहेड हैं। पुतिन ने रूसी सेना को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था कि हम कुछ प्रमुख हथियार प्रणालियों को इस साल के अंत तक तैनात करेंगे। इसमें सुपरसोनिक किंजल सिस्टम और जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। उन्होंने रूसी नौसेना के बोरी ए परमाणु संचालित पनडुब्बी परियोजना इंपरर अलेक्जेंडर 3 को शामिल करने और रूसी रणनीतिक परमाणु बलों में एडवांस वेपन्स और उपकरणों की हिस्सेदारी 100% तक करने का ऐलान भी किया। इंपरर अलेक्जेंडर 3 को दिसंबर के अंत में लॉन्च किया गया था। ये बोरी ए क्लास की 7वीं पनडुब्बी है। इस क्लास की सभी सबमरीन 16 की संख्या में बुलावस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं। रूस की सरमत मिसाइल के बारे में पुतिन कहते हैं कि ये मिसाइल रूस के दुश्मनों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। रूस की सरमत मिसाइल को नाटो शैतान कहता है। रूस के पास परमाणु हथियारों की संख्या देखकर कह सकते हैं कि अगर रूस के साथ नाटो का परमाणु युद्ध हुआ तो इससे 5 अरब लोगों का सफाया कर सकता है। हालात ऐसे बन जाएंगे कि कई साल तक सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच सकेगी। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा रेडी टू यूज परमाणु हथियार हैं। इनको बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और टारपीडो के जरिए दुनिया में कहीं भी दागा जा सकता है।